Today, I am with Riyaz Ahmed Ganie, the survivor of the Bijbehara Massacre that took place on 22 October 1993 in Bijbehara. The Bijbehara Massacre refers to an incident that took place on 22 October 1993, in which on that day 51 innocent civilians have been killed by the 74th Battalion of Border Security Forces after protesters erupted over the siege of Hazratbal Shrine. पूरे लेट गए तो जो फौजी थे उन्होंने बराबर फायरिंग उस दम तक की जब तक उनके मैगजीन खाली नहीं हुए। जब मैं भी लेट गया तो कुछ अरसा के बाद, कुछ मिनट्स के बाद, मैं ये नहीं कह सकता कितने मिनट रहा, वो 10 मिनट थे, 20 मिनट थे, 30 मिनट थे, ये मैं नहीं एग्जैक्टली नहीं कह सकता। मगर जब कुछ देर के बाद मैंने सर उठाया तो मैंने देखा कि सब लोग जो है वो मेरी तरफ से थोड़ा दूर दूर भागे हुए थे, क्रॉलिंग कर रहे थे, और मैंने खाली अपने आप को तन्हा वहाँ पाया। तो मैंने इतने ही में एक बंदे को देखा, वो खड़ा हुआ, खड़ा होते होते मैं उसकी तरफ देख रहा था। इतनी सी बात है कि मैंने उसके चेस्ट से खून जारी हुआ उसके चेस्ट से, तो मैं यही समझ पाया कि ये खड़ा हो गया, तो इसी दरमियान इसके सीने में गोली लग गई। जब मैंने ये देखा कि इसके सीने में गोली लगी, इसका मतलब ये किसी को अब छोड़ने वाले नहीं है, दे विल किल ऑल द पीपल। तो इस ये देखकर मेरे को एक फ्रस्ट्रेशन आ गई, तो मैं उठ गया। जब मैं वहाँ से उठा तो खड़ा हुआ तो जो बीएसएफ की वहाँ की सिक्योरिटी फोर्सेस थी तो उन्होंने गोलियाँ चलाना शुरू कर दी, वो मेरी चेस्ट में लग गई। तो मेरी जो इंटेस्टाइनस थी वो ऑर्गन्स अंदर से वो पूरे बाहर आ गई। आई होल्ड ऑल द इंटेस्टाइनस विद माय हैंड्स, उनको अंदर की तरफ धकेल दिया। तो इसी दौरान उन्होंने मेरे हाथों पर भी, मेरे बाजू में भी फायर लगा लिया, मगर मैं वहाँ से भागने में कामयाब हुआ। जब मैं गली की तरफ बढ़ने लगा तो वहाँ ऑलरेडी कुछ वॉलंटियर्स थे, जो जिन्होंने ये मतलब फायरिंग ऑलरेडी सुनी थी, वो देख रहे थे कोई रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे थे कि कहीं कोई बंदा कहीं से कोई उठे ताकि हम उसकी मदद कर सके। तो एक बंदा था, मुझे आई नो वन ऑफ माई नेबर गुलाम, उसका नाम था गुलाब खान। गुलाब खान ने जो ही मुझे देखा तो उन्होंने मुझे पकड़ लिया गोद में, और ऐसे ही मुझे मोहल्ले एक अंदर गली थी वहाँ ले गया। कि मुझे 8 दिन बाद मुझे पता चलता है कि मुझे याद, मतलब जब मैंने आंखें खोल दी तो मैंने देखा कि मैं हॉस्पिटल में बेड में पर लेटा था, तो मैंने देखा कि मेरा एक ड्रिप लगा था, खून लगा था। तो मेरी जब वहाँ नज़र पड़ी तो मैंने कहा कि हम कहाँ हैं, तो उन्होंने कहा ऐसा। मैं फिर मुझे याद आया, हाँ कुछ हादसा मेरे साथ पेश आया था, तो ये उसी की एक कड़ी है। द पीपल हु वर फर्स्ट ऑपरेटेड मोस्ट ऑफ देम डाइड, तो आई डोंट नो वेदर आई एम फॉर्चुनेट एंड और अनफॉर्चुनेट, आई सर्वाइव्ड दैट इंसिडेंट। बिजबहरा जो इस हादसे के बाद पूरा मातम में था, तो किसी घर में मतलब किसी ने चूल्हा अपना चूल्हा नहीं जलाया, ना किसी ने कुछ खाया ना पिया। आई हैव कम टू नो फ्रॉम वन ऑफ माय फ्रेंड, उसने मुझे कहा कि इतना मातम यहाँ तारी हुआ था कि फिर इस्लामाबाद से लोगों ने वहाँ से चाय, खाना पानी वहाँ से लाया और यहाँ के लोगों को खिलाया। मेरे लिए एक कयामत सी थी, मतलब जब मेरे साथ ये हादसा पेश आया, इट वॉज़ अ वेरी पेनफुल फॉर मी इवन टुडे आल्सो। सबसे पहले जो इफेक्ट हुआ, मेरी फैमिली इफेक्ट तो हुई, मेरी एजुकेशन, मेरे मतलब भाई बहन उनकी एजुकेशन की भी सफ़र हुई, बिकॉज फॉर ऑलमोस्ट वन एंड हाफ ईयर आई वॉज इन श्रीनगर इन डिफरेंट हॉस्पिटल्स, आई वॉज बींग रेफर्ड फ्राम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान बातचीत होनी चाहिए,
और ये जो मसला है ये एक इंसानी मसला है एंड लेट पीपल डिसाइड देयर पॉलिटिकल फ्यूचर. तो मैं इस बात की बिल्कुल वकालत कर रहा हूँ कि ये मसला जो है ये हल होना ही होना चाहिए एज़ पर द विशन एंड एस्पिरेशन ऑफ द पीपल. तो वो हम नहीं कह सकते, ये लोगों के पास जाना होगा उसके, तो जो लोग डिसाइड करेंगे वही फिर फाइनल हल, चाहे वो जो भी हल होगा, चाहे लोग इंडिया के साथ ही जाना चाहेंगे तो उसमें फिर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है. अगर कोई मतलब कह रहा है कि हम इंडिपेंडेंट रहना चाहेंगे, दैट फाइनली पीपल विल डिसाइड.